अक्टूबर माह के तीसरे शनिवार को खेरागढ़ तहसील कार्यालय पर उप जिलाधिकारी नीरज शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में सहायक पुलिस आयुक्त खेरागढ़ महेश कुमार व संयुक्त सहायक पुलिस आयुक्त पीयूष कांत राय, तहसीलदार माधांता प्रताप सिंह एवं समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस में कुल 92 शिकायतें आईं, जिनमें सबसे ज्यादा 52 शिकायतें राजस्व संबंधित आईं। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में एसीपी महेश कुमार व एसीपी संयुक्त पीयूष कांत राय मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों व चक रोडों को कब्जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध जमीने कब्जाने वालों को लेखपाल चिन्हित करेंगे। आज तहसील खैरागढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 52 राजस्व विभाग से संबंधित हैं और 40 शिकायतें दूसरे विभागों की हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी है, विकास विभाग भी है। ज़्यादातर शिकायतें चक्रोड़ों पर अतिक्रमण को लेकर के हैं। कुछ शिकायतें इस तरह की भी हैं जिनमें किसी का एक का हमने काम कराया है तो दूसरा पक्ष अब आकर शिकायत कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि सबको संतुष्ट करके हम एक समस्या का समाधान करा लें। लेखपालों के साथ बैठक की गई और उनको जो रेवेन्यू के हमारे पेंडिंग कार्य हैं उनके बारे में अवगत कराया गया, जिसमें हमारे कूरे का मेन मैटर है जो कूरे दाखिल नहीं हुए उसके लिए बताया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि जो चक्रोड़ों पर बार बार कार्य करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है, लोग लेखपाल द्वारा ना करने के बाद मुड्डियाँ हटा दे रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई करें। सर, आगामी चुनाव को लेकर जो विद्यालय काफी जर्जर और हालत में थे, उनके बारे में भी आपने पता की होगी, क्या जानकारी प्राप्त की आपने? जो विद्यालय हमारे इस तरह के हैं उनको हमने बदल दिया है और जिनमें कुछ काम की आवश्यकता है वो शिक्षा विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बता दिया गया है। काम उनके द्वारा कुछ करा भी दिया गया है। बहुत ऐसा कोई विद्यालय हमें नहीं मिला है कि जिसमें चुनाव ना कराए जाने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो। आगरा देहात से प्रहादा दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद उपाध्याय के साथ जाकिर हुसैन की रिपोर्ट।